हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये केवल मेन का टॉपिक है, जेई मेन का, जे एडवांस में नहीं आएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो लाइक हमने देखा हुआ है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेव दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ना मैकेनिकल वेव मतलब जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और नॉन मैकेनिकल वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है, मतलब इसको आगे जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो है क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वेव है मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी तक आप पीछे क्या देखते थे, मैकेनिकल वेव में हम लोग देखते थे कि डिस्टरबेंस के फॉर्म में वो आगे जाता था, लेकिन यहाँ पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके फॉर्म में ये आगे जाएगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रहा है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप अगर मानते हैं कि वाई डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो उस टाइम पे जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और वो जो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उससे भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर अभी वेव जा रही है तो y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमने x एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को ऐसे दिखाया है, तो z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को हम ऐसे दिखाएंगे। ये नॉर्मल वेव की इक्वेशन है जैसे हम पहले लिखते थे, बस डिस्टर्बेंस की जगह हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। ई नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, हमें पता है कि हर एक लाइट की कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सी स्पीड ऑफ लाइट है, टी कोई भी टाइम टी पे एक्स पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका बेसिस क्या है, ये कैसे हमें समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बार मैक्सवेल ने सोचा कि हमने जैसे फैराडे लॉ पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि वी नो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे लॉ में हमने पढ़ा ना चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ना मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये वही वाली लाइन है। तो मैक्सवेल ने उसका रिवर्स सोचा कि क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और उन्होंने इसके लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और रिवर्स, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो चेंज हो रहे हैं। तो यही हमारे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का बेसिस बना ना। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब वेव आगे जाती है तो एक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो वो दूसरे को प्रोड्यूस कर देगा, फिर वो ऑसिलेट हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो वो फिर से प्रीवियस वाले को प्रोड्यूस करेगा। तो मीडियम में ये एक दूसरे को ऐसे प्रोड्यूस करते जाएंगे और बिना मीडियम के रिक्वायरमेंट के ये आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव में रखते हैं। तो मेन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझना है कि कैसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। पहले हम ये पॉइंट समझेंगे, ये समझने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। तो हम लोग अब ये देखने चाह रहे हैं कि कैसे मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये तो हमें पहले से पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है ना, फैराडे लॉ जो था। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जिसमें हमने यहां पर एक कैपेसिटर लिया हुआ है, ये इसकी दो प्लेट्स हैं और उनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे ना, तुरंत चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, अभी चार्जिंग स्टार्ट हो रखी है, अभी चार्जिंग कंप्लीट नहीं हुई है ना।
तो उस टाइम पे अगर हम इनके प्लेट के पैरेलल यहाँ पे एक लूप ले लें ना, ये प्लेट के पैरेलल लूप है, ध्यान रखना ना, जो इस प्लेट का एरिया है वही इसका भी एरिया है, तो वहां पे क्या हो रहा है, और इस प्लेट के लिए एम्पियर्स लॉ लगाए ना, एम्पियर लॉ क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो इस लूप से कोई करंट पास हो रही है, करंट तो यहां तक आ रही है, फिर यहां पे करंट जा रही है, इस पार्ट में तो कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब म्यू नॉट आई का टर्म जीरो है, मतलब बी यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्लेट हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो, सिंस आई इज जीरो बिटवीन प्लेट सो बी शुड बी जीरो, इसको मैं थोड़ा अलग रखता हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल रखते हैं इस प्लेट के बीच में यहाँ पर, तो आप देखोगे वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब वो बोल रहा है नहीं यहाँ पे बी है, बी जीरो नहीं है ना, वो बोल रहा है यहाँ पे बी है, तो इसका मतलब ये जो एम्पियर लॉ हम बोल रहे हैं इसमें कुछ करेक्शन है, ये कंप्लीट नहीं है ना, मैक्सवेल ने यही पता किया कि ये कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब है देयर शुड बी अनदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अदर देन इलेक्ट्रिक करेंट ना, मैक्सवेल ने यही बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उन्होंने बताया कि देयर इज अनदर सोर्स, और कौन सा सोर्स है, आप देख रहे हैं कि अभी जब तक चार्जिंग चल रही है तब तक प्लेट के बीच में जो चार्ज है, प्लेट्स पे जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है, प्लेट पे जब चार्ज चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की वजह से वो चेंज हो रहा है, तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था तब तक यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जा रही है उसके बाद डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां बी आ रहा है ना, इससे ये प्रूव हो रहा है, तो मैक्सवेल ने ये प्रूव किया, तो वी नो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फैराडे लॉ का रिलेशन था वो ही कुछ ऐसे आता था, तो इसी के बेसिस पे ऐसा ही रिलेशन उन्होंने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो भी कुछ इसी टाइप के रिलेशन होगी, जैसे कि अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो हमने लूप लिया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जब वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां बी आ रहा है, और बी की वैल्यू आप इंटीग्रल बी डॉट डीएल ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं ना, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन ध्यान रखना है, डेरिवेशन नहीं करना है इसका, यहाँ पे फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब जो आपने एम्पियर लॉ पढ़ा था इंटीग्रल बी डॉट डीएल वो क्या होता था, म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन यहाँ पे अब क्या आया, एक नई चीज आ गई, म्यू नॉट इंटू ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, तो मतलब बी को प्रोड्यूस करने के दो सोर्स हुए, एक तो इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा वहां पे बी इंड्यूस हो जाएगा, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज हो रहे हैं ना, अगर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज हो रहे हैं तो बी वहां पर आप दोनों को यूज करते हुए निकालोगे, ये इलेक्ट्रिक करंट के वजह से म्यू नॉट आए, और ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम के परमिबिलिटी और परमिटिविटी होंगे जहां पे आप बी निकाल रहे हो, अगर हम इसमें म्यू नॉट को बाहर निकाल लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म को एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी को हम कुछ आई डी लिख दिया ना, हम चाह रहे हैं कि उसको करंट टाइप का एक टर्म बना दे, तो इसको आई डी लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं, अब हम देखो इस टर्म को हमने मान लिया है ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी को आई डी मान लिया है, और इसको हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ना, आई डी जो हमने डी सबस्क्रिप्ट में है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हमने एम्पियर लॉ में करेक्शन कर दिया, तो क्या करेक्शन किया, एक तो म्यू नॉट आई होता था, इस आई को हमने नाम दिया कंडक्शन करंट, क्योंकि ये चार्ज के मूव करने की वजह से होता है, और साथ में वहां एक और टर्म दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने क्या बोला है कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे कोई करंट है ना, ये ऐसा हाइपोथेटिकल है, हम ऐसे मान लेते हैं कि वहां कोई करंट है, तो फिर वो एम्पियर लॉ वाला पूरा टर्म बन जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, आई प्लस आई डी, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करंट ना, जो अभी तक हम ये आए यहाँ पे लिखते थे तो वो कौन सा वाला आया, कंडक्शन करंट है, और एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये करेक्शन कर दिया मैक्सवेल ने कि केवल आए नहीं होगा, केवल कंडक्शन करंट नहीं होगा, अगर वहां डिस्प्लेसमेंट करंट है तो वो भी होगा ना, डिस्प्लेसमेंट करंट हम कहाँ बोलेंगे, जहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और
कैसे निकालेंगे, परमिटिविटी इंटू डी फाई बाई डी टी, ये क्या है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अब हम इस केस में देखेंगे जहां पे कैपेसिटर में अभी चार्जिंग हो रही है कि जो प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट हम इमेजिन कर रहे हैं और जो वायर में करंट फ्लो रही है मतलब कंडक्शन करंट, वो मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल आती है, ये हम लोग यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने ये कैपेसिटर ले लिया है, कोई टाइम पे मान लीजिए इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, चार्जिंग चल रही है, तो आप बोल सकते हैं प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी होगी, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो दो प्लेट है तो इंटू टू, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू हम लिख देंगे क्यू बाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब चार्जिंग में लगातार क्यू चेंज हो रहा है तो ई चेंज हो रहा है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट अगर निकालने जाएं तो उसके लिए हमें फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे, ई इंटू ए, ई मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कर दिया, तो ये फ्लक्स आ गया। अब आईडी वाले फॉर्मूले में लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी में ये वैल्यू डाल देंगे तो देखिए कितना आ जा रहा है, ये आया। अब डी क्यू बाई डी टी जो इस प्लेट पे चार्ज है वो जिस रेट से चेंज होता है वो हम क्या बोलते हैं, वो यहाँ की कंडक्शन करेंट है, तो वही आ गई। मतलब कैपेसिटर में चार्जिंग के टाइम पर यहाँ पे जो कंडक्शन करेंट है वही बीच में आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेट्स के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी, जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो देखिए हमने ये समझ लिया कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो चेंज करेगा जब टाइम के साथ तो बी प्रोड्यूस करेगा, और उसका रिवर्स फैराडे ने पहले ही प्रूव किया हुआ है कि चेंजिंग बी के वजह से ई आता है, तो ये दोनों जब एक एक चेंज करेगा तो दूसरा प्रोड्यूस होगा, यही मेन बेसिस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इस बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ सकते हैं। तो अब वो समझने से पहले पहले हम मैक्सवेल की इक्वेशन देख लेते हैं, फिर वो हम समझते हैं। तो मैक्सवेल के जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो कुछ भी थ्योरीज वगैरह हमने देखी हैं, उन सबको फॉर्म को समराइज करते हुए मैक्सवेल ने फोर इक्वेशन दिए हैं, इनसे हम सारा कुछ एक्सप्रेशन जो भी हम देखते हैं हम प्रूव कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या क्या है, जैसे गॉस लॉ हमने देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ जब आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाओगे तो कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जितनी लाइंस निकलेंगी उतनी इंटर करेंगी, क्योंकि बी हमेशा लूप बनाता है, तो वहां नेट फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा कोई भी क्लोज सर्फेस के लिए। फिर हमने फैराडे लॉ देखा था, फैराडे लॉ में क्या आया था, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ये ईएमएफ इंड्यूस लिखा है, ईएमएफ इंड्यूस बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर एम्पियर लॉ था इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो उसमें जो अभी तक हम ये देखते थे म्यू नॉट आई प्लस, अब और क्या कर देंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, मतलब म्यू नॉट आई प्लस आई डी कर देंगे। तो ये जो चार लॉ है यही पूरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कि जो भी आपने एक्सप्रेशन देखे हुए ये सबको समराइज करता है, सारे कॉन्सेप्ट्स इससे एक्सप्लेन किए जाते हैं। इन्हीं लॉ को यूज करते हुए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन देखें ई और बी, जो हमने देखी कि ऐसे कुछ आ रही है, ये दोनों इक्वेशन भी जो भी हमने मैक्सवेल के चारों इक्वेशन देखे हैं वो भी इसको प्रूव करते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए चारों लॉ में डालें तो सारे चीजें प्रूव हो रही होंगी, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन को। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, नहीं ये बात समझ आई ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ये इक्वेशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम पर, ये मैक्सवेल लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके जो भी इक्वेशन है उनमें डालने पर आप सारी चीजें वही मिलेंगी जो मैक्सवेल ने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बन रही है। हमें देखिए ये पता है स्टेशनरी चार्ज केवल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जबकि मैक्सवेल ने बताया कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो एनर्जी रेडिएट करता है ना, जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये कैसे बताया ना, वही हम लोग समझ रहे हैं। तो ये एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देखिए ऐसे समझ सकते हैं।
अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ले लें जो कि ऑसिलेट कर रहा है, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है किसी एफ फ्रिक्वेंसी से, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या वो कांस्टेंट होगा या ऑसिलेटिंग होगा? वो भी लगातार चेंज हो रहा होगा। अगर चार्ज लगातार अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ई की वैल्यू भी चेंज होगी सेम फ्रिक्वेंसी से। तो ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। हमने देखा ना कि ई चेंज होगा तो बी आएगा, तो यही चीज है। नाउ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमने यहाँ पे ये लिखा है कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, इसकी ऑसिलेट करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो कि सेम फ्रिक्वेंसी की होगी। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना, जो हमने अभी एम्पियर मैक्सवेल लॉ में देखा। एम्पियर लॉ में करेक्शन के बाद हम उसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। और फिर ये जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये अगेन सोर्स बन जाएगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, फैराडे लॉ से। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और बिना मीडियम के रिक्वायरमेंट के ये लगातार एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि एक फील्ड दूसरे फील्ड को क्रिएट कर देगा अगर वो चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और साथ में फ्रीक्वेंसी सेम होगी जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा। तो ये तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने का। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, वो प्रॉपर्टीज मैं एक जगह समराइज कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी, एक सेकेंड में वीडियो को थोड़ा साइड में कर दूं, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ना, और साथ में जो वेव के प्रोपोगेट का डायरेक्शन है ना, तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर कभी आपको ये निकालना पड़ा कि मान लीजिए ई का डायरेक्शन पता है, बी का डायरेक्शन पता है, तो वेलोसिटी किधर जा रही है वेव, उसके लिए आप ई क्रॉस बी लगाओगे ना, ए क्रॉस बी, जैसे आपको पता है ए क्रॉस बी से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो इससे हमें वेव के प्रोपोगेट करने का डायरेक्शन मिलेगा ना। कभी भी हो सकता है दो के डायरेक्शन पता हो, तीसरे को निकालना है, तो ये यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए ना। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी इक्वल टू ई क्रॉस बी, मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा हूँ यूजिंग ई क्रॉस बी। यहाँ पे मैंने वो चीज दिखाई हुई है, सपोज यहाँ पर वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है ना, यहाँ पे वेव सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर हम ई क्रॉस बी करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगर वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है तो ई क्रॉस बी करेंगे तो थंब हमें इसके प्रोपोगेट करने का डायरेक्शन बताएगा। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, और ये ब्लैक लाइन से मैंने दिखाया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। फिर इक्वेशन ऑफ वेव, तो अगर हमें E की इक्वेशन पता है तो उसको देख के हम B की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। डायरेक्शन अगर हमने पता कर लिया कि भाई E इधर है तो B किधर होगा, तो अब डायरेक्शन देखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता है, B का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, तो उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ये अभी आगे मैं बताऊंगा। और जो यहाँ पे फेज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वही सेम फेज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं ना, ये ध्यान रखना, दोनों का फेज सेम होता है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है सी होती है, जिसकी वैल्यू दोनों के ई और बी के एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर आएगी, और ये बराबर होती है 1/μ0ε0 फ्री स्पेस। कोई और मीडियम होगा तो वहां का म्यू, वहां का एप्साइलिन लोगे तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी, वहां का एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा वो, तो ऐसे आप इनको रिलेट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन कई बार पूछा गया है, एक इक्वेशन दे करके दूसरी इक्वेशन लिखना, वो आगे मैं बाद में एग्जांपल लेके बता भी दूंगा। और ये रिलेशन इस बार भी मेन के एग्जाम में ये पूछा गया था, ई दिया था, सी दिया था, बी की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। ये बस वही लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं लगता है, वो एक दूसरे के लिए खुद ही सोर्स का काम करते हैं और आगे प्रोड्यूस करते जाते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें देखिए पता है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहे हैं तो ये अपने साथ एनर्जी आगे लेके जा रहा है, तो हम कोई भी पॉइंट पे डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी पॉइंट पे ई पता है तो ई के वजह से वहां एनर्जी डेंसिटी हम कितना लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड पता है तो बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूले यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग एवरेज डेंसिटी निकालेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखी है, ये कुछ वाई में होगा ये कुछ जेड में होगा, तो वहां पे आप एक छोटे से कोई भी स्पेस में एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे एक छोटा सा डीवी वॉल्यूम ले लीजिए, तो इस डीवी वॉल्यूम की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वहां की एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये उस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है। सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डीवी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो गई, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी बात की ना, उस इंस्टेंट पे, क्योंकि ई हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होगा, दोनों को एड करके हम टोटल एनर्जी एक छोटे से डीवी वॉल्यूम में इतना बोल सकते हैं। और अगर हम इस टोटल एनर्जी को डीवी से डिवाइड कर दें तो ये हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे छोटे से डीवी वॉल्यूम में डेंसिटी कितनी आ रही है, एक छोटे से डीवी वॉल्यूम में यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी आ गई, ये इंस्टेंट की है ना, जिस इंस्टेंट का ई और बी डालोगे उस इंस्टेंट की एनर्जी डेंसिटी मिलेगी। फिर अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें पता है ई स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, हाफ। सेम वे में बी की एवरेज, ये बी स्क्वायर अगर हम इस टर्म की एवरेज निकालें तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा हाफ, तो एवरेज वैल्यू में क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 या और एक आ जाएगा तो ये वहां पे 4 हो जाएगा। फिर देखिए अब हम यहाँ पे ये प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं, नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर आएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, तो यहाँ पे ये हम प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है ई नॉट बाई बी नॉट सी होता है, तो बी की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं और यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं ये, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये सेम टर्म बन जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर के आ जाएंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता है तो आप उसको यूज करके टोटल एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का पता है तो उसको यूज कर सकते हैं ना, अदरवाइज आप दोनों के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट ध्यान रखना एम्पलीट्यूड है, आरएमएस वैल्यू नहीं है। सेम वे में हम लिख सकते हैं 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ना सेम वे में ये भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वेव में जो आपने पीछे देखा वही सेम चीज है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो कोई पे भी मान लीजिए यहाँ पे लाइट जा रही है, आप कोई भी एक सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी जा रही है, तो आपको पता है कि अगर सी स्पीड से लाइट आ रही है, सी स्पीड से लाइट आ रही है तो एक डेल्टा टी टाइम में कहाँ तक की लाइट क्रॉस हो जाएगी इस एरिया को, सी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस की ना, तो इतने वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है वो आप बोल सकते हो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, समझ रहे, एक मिनट। तो अगर हमें इस एरिया को देखना है तो डेल्टा टी टाइम में सी डेल्टा टी डिस्टेंस तक की लाइट हमारी क्रॉस हो जाएगी, तो इतने वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर है आप बोल सकते हो कि वो इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पहले तो वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सी डेल्टा टी इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गया यहां तक का। इस वॉल्यूम में हमें पता है एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, कोई भी एक डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी यहां तक की एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये हमारा डेल्टा टी टाइम में क्रॉस करेगा। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए क्या करेंगे, एरिया और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा।
मतलब एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, वहां पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज है, वो ट्रेवल कर रही है फ्री स्पेस में, और वहां पर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है वाई डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू ये है, तो हमें उस पॉइंट पे बताना है कि बी कितना होगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी गई है, या कोई भी इंस्टेंट पे वैल्यू दी गई है, वो एम्पलीट्यूड भी हो सकता है या कोई और वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि टाइम डालोगे एक्स डालोगे तो कुछ ही मिलेगा, तो उस इंस्टेंट का हमें बी बताना है। तो आपको पता है कि कोई भी इंस्टेंट पे जो यहाँ पर ई और बी होंगे वो आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, या फिर कोई भी इंस्टेंट का ई ले लो बी ले लो, उनका रेशियो आपको स्पीड ऑफ लाइट दे देगा। तो अगर हमें ई पता है सी पता है तो आप बी निकाल सकते हो। और देखिए यहाँ वेव एक्स एक्सिस में जा रही है ना, पहले तो हमने बी निकाल लिया, फिर अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई क्रॉस बी सोचेंगे। ई क्रॉस बी जब आप सोचेंगे तो अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, ई इधर है, तो जब ई क्रॉस बी, बी जब जेड एक्सिस में होगा तब ई क्रॉस बी करने से स्पीड ऑफ लाइट इधर को आएगी एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, इसका मतलब बी के कैप के लॉन्ग होनी चाहिए। तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया इनटू के कैप करके बता देंगे इस इंस्टेंट पे बी की वैल्यू। और ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज किसी इंस्टेंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है तो उस इंस्टेंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देख के समझ आ रहा है वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, देखिए पहले बी नॉट तो आप निकाल सकते हैं ई नॉट बाई सी करके, ओमेगा और के सेम होता है, सेम फेज होता है, ओमेगा के सब कुछ सेम होता है ना। अगर ये एक्स में जाएगा, ये वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा और ये वाई में होगा तभी ई क्रॉस बी करने से एक्स में ये जा रहा होगा, तो इसको सोच करके हम बी सोच सकते हैं बी किधर है जेड में, तो इस बेसिस पे हम बी की वैल्यू लिख सकते हैं ई नॉट बाई सी साइन ओमेगा टी माइनस के। नहीं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान से समझिए। तो वेब में हमें इतना ही करना था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसका वीडियो मैं कुछ दिन में डालता हूं, तब तक आप इसके मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिए, ठीक है। फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।